Yesterday, I have discussed first chapter, that is what is democracy and why democracy. Today, I will discuss and revise constitutional design. First of all, meaning of constitution. Book of laws, okay? Set of rules and regulations to govern the country, any country. Like in any game, चाहे वो क्रिकेट है, चाहे फुटबॉल है, ठीक है, चाहे बैडमिंटन है, वी नीड सम रूल्स एंड रेगुलेशंस. अगर रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होंगे तो या तो कोई विनर नहीं होगा, या फिर मैच क्या हो जाएगा, ड्रॉ हो जाएगा, या फिर किसी भी तरह से क्लियर कट जो आपको गेम का जो एक काइंड ऑफ आप क्राइटेरिया होता है वो फिक्स नहीं कर पाओगे. जब भी आप कोई गेम खेलते हो, रूल्स एंड रेगुलेशंस का फिक्स करना बहुत जरूरी होता है. ऐसे ही कोई भी कंजस्करण कम है, ऐसे ही कोई भी कंट्री अपनी कंट्री में रूल्स एंड रेगुलेशन जब तक नहीं बनाती तब तक जो सिटीजन्स हैं वो भी कंफ्यूज रहेंगे, ठीक है. और गवर्नमेंट कीप ऑन चेंजिंग, 5 ईयर्स के बाद कोई और पार्टी आएगी, उसके बाद कोई और पार्टी आएगी, तो ऑटोमेटिकली हम ये कह सकते हैं कि डिस्प्यूट्स होंगे, क्लैशेस होंगे, और जो लीडर्स हैं वो भी डाउट में रहेंगे कि उन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशन कैसे बनाने. तो अल्टीमेटली कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी डेमोक्रेटिक कंट्री. नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज में कॉन्स्टिट्यूशन हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन डेमोक्रेटिक कंट्रीज में कॉन्स्टिट्यूशन का होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वहां पे इलेक्शंस में गवर्नमेंट चेंज होती रहती है. 5 ईयर्स के बाद कोई और लीडर्स होंगे, वो अपनी मर्जी से रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं बना सकते, बिकॉज उनकी पावर्स को लिमिट कहाँ पे किया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन. मैं जस्ट आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ. प्राइम मिनिस्टर कैसे अपॉइंट होंगे, उनके क्या फंक्शंस हैं, उनकी क्या पावर्स हैं, उनको कैसे उनकी पोस्ट से रिमूव किया जाएगा, ये सारा किसमें लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन. सेकंड एग्जांपल, प्रेसिडेंट की इलेक्शन कैसे होंगे, कैसे उनको रिमूव किया जाएगा, क्या उनकी पावर्स हैं, रिटन इन कॉन्स्टिट्यूशन. सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस, इलेक्शन कमिश्नर, ईच एंड एवरीथिंग, एमपीज, एमएलएज, गवर्नर, सीएम. ऐसे नहीं हम कहते कि हमारे कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन को बनने के लिए कितना टाइम लगा और ये कितना लेंथी है, बिकॉज इसमें गवर्नमेंट के रिगार्डिंग जो उनकी अपॉइंटमेंट्स हैं, उनका रिमूवल है, ये अलग अलग आर्टिकल्स की फॉर्म में लिखा हुआ, अलग अलग आर्टिकल्स. प्रेसिडेंट अब इमरजेंसी लगा सकते हैं, कौन सा आर्टिकल, ठीक है, प्रेसिडेंट कौन सी पावर्स को कैसे यूज करेंगे, इसके अलग अलग आर्टिकल्स. तो हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर होगा ना इसके बाद, कॉन्स्टिट्यूशन के बाद हम टर्म 2 में पढ़ेंगे, तब हम पढ़ेंगे कंट्री में इलेक्शंस कैसे होते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग, और कंट्री में लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी कैसे काम करते हैं, प्रेसिडेंट के फंक्शंस क्या है, ये सारा आपने 8th में पढ़ा हुआ है, प्राइम मिनिस्टर के फंक्शंस, जजेस. तो हम इस चैप्टर को थोड़ा डिटेल में करेंगे 9th के अकॉर्डिंग, ठीक है. तो मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मीन सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस अकॉर्डिंग टू विच द गवर्नमेंट ऑफ एनी कंट्री गवर्न्स. एंड डेमोक्रेटिक कंट्रीज के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का होना बहुत जरूरी है, ठीक है. अब दिस चैप्टर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. नंबर 1, साउथ अफ्रीका, एंड सेकंड इज इंडिया. टुडे आई विल कवर साउथ अफ्रीका, ठीक है. साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना और व्हाई इट इज कॉल्ड द फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, इसको फाइनेस्ट क्यों कहा जाता है, रीजन हमने करना है इसमें. एंड साइड बाय साइड हम पढ़ेंगे कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ नेल्सन मंडेला. हमने अब इसको 1 मार्क में अकॉर्डिंग करना है, क्योंकि आपको ये चैप्टर जो है वो एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव बेस है. सबसे पहले अपार्टहीड पॉलिसी, 1 मार्क. आपको इसका मीनिंग एक्सप्लेनेशन पता होनी चाहिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अपार्टहीड पॉलिसी. रेशियल डिस्क्रिमिनेशन भी कह सकते हो, रेशियल सेग्रीगेशन भी कह सकते हो, सेग्रीगेशन, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कलर का, कलर भी कह सकते हो आप, बर्थ भी कह सकते हो, बर्थ के बेसिस के ऊपर, रेस, डिवीजन इन द सोसाइटी. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अपार्टहाइड पॉलिसी, अपार्टहाइड पॉलिसी वाज अ रेशियल सेग्रीगेशन. सेग्रीगेशन का मतलब सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ कलर, बर्थ, रेस, रीजन है, ठीक है. तो ये पॉलिसी जो थी वो साउथ अफ्रीका में फॉलो की गई. अब इसकी हिस्ट्री क्या थी, सेम इन इंडिया
एज वी वर कंट्रोल्ड बाय यूरोपियंस दिस साउथ अफ्रीका कंट्री वॉज ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय वाइट यूरोपियंस बट वी वर लकी कि हमें इंडिपेंडेंस मिल गई पर साउथ अफ्रीका में ऐसा नहीं हुआ साउथ अफ्रीका में वाइट यूरोपियंस वहीं पे ही बस गए ठीक है उन्होंने साउथ अफ्रीका को लिबरेशन नहीं दी वो वहीं पे ही रहे अब जब वो वहीं पे रहे तो वहां पे दो तरह के हम तीन तरह के कम्युनिटीज कहेंगे नंबर वन कौन थे वाइट जैसे हमारी कंट्री में हम कहें ब्रिटिशर्स ठीक है नंबर टू जो वहां के ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स थे ब्लैक पीपल नीग्रोज लेकिन एक और कम्युनिटी हम जो है ना हम फॉरनर्स के लिए हम क्या है हमारी जो हमारा कलर कम्प्लेक्शन है ना ही हम व्हाइट में आते हैं ना ब्लैक में हमारा है मिक्स रेस या कलर रेस भी कहते हैं मिक्स रेस कलर्ड भी कहते हो क्योंकि कम्प्लेक्शन ब्रिटिश माना जाएगा आपका कलर जितना मर्जी फेयर है फॉरनर्स में आपका जो कलर है वो क्या माना जाएगा ब्रिटिश ही माना जाएगा आप मिक्स रेस कलर्ड ही माने जाओगे सो एट दैट टाइम रेशियल डिस्क्रिमिनेशन वॉज विद ब्लैक एंड कलर्ड पीपल और मिक्स रेस ठीक है देन अब एक ऐसा टाइम था जिस टाइम पीरियड में आपको याद होगा व्हेन महात्मा गांधी जी वॉज इन साउथ अफ्रीका देन ही आल्सो स्ट्रगल्ड अ लॉट फॉर दिस पॉलिसी अपार्टहाइड पॉलिसी के अगेंस्ट उन्होंने काफी स्ट्रगल किया एंड लेकिन कुछ खास नहीं कर पाए वहां पर उन्होंने बहुत से सत्याग्रह लॉन्च किए ठीक है लेकिन उनको उनको भी चलती ट्रेन से निकाल दिया गया रीजन क्या कि वो कलर्ड यानी कि मिक्स रेस से बिलोंग करते थे एंड नो डाउट उनके पास फर्स्ट क्लास एसी टिकट था बट स्टिल ही वाज थ्रोन आउट ऑफ द ट्रेन क्लियर लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पीरियड में जब पूरे वर्ल्ड में प्रॉब्लम शुरू हुई तो महात्मा गांधी जी भी वापस इंडिया आ गए अब उनका टारगेट क्या था इंडिया को फ्रीडम दिलाना लेकिन साउथ अफ्रीका का क्या हुआ 1915 के बाद कितना लंबा टाइम पीरियड था जिस टाइम पीरियड में वहां पर अभी भी ब्लैक्स पीपल के साथ इनजस्टिस कंटिन्यू ठीक है एंड आपकी बुक में बहुत से ऐसे जो है वो सिंबल्स बनाए गए हैं यू कैन सी दीज काइंड ऑफ सिंबल्स डेंजर साइन तो उस टाइम पीरियड में ये डेंजर साइंस कहाँ पे लगाए जाते थे सेग्रीगेशन का मतलब सिर्फ लोगों को ही अलग नहीं करना सेग्रीगेशन का मतलब प्लेसेस को भी अलग कर देना लाइक बीचेस बीचेस वर रिजर्व फॉर व्हाइट पीपल एंड जो दूसरे एरियाज अनहाइजीनिक एरियाज होते थे देवर फॉर ब्लैक पीपल वर्शिप प्लेसेस चर्च पब्लिक प्लेसेस ठीक है एंटरटेनमेंट मार्केट ईच एंड एवरीथिंग वॉज सेपरेट एंड अगर ब्लैक पीपल जो है वो इन एरियाज में इनको आना होता था दे नीडेड परमिशन परमिट वो भी सिर्फ काम करने के लिए एज अ लेबर एंड स्टिल देवर गिवन वेरी लेस वेजेस देवर एक्सप्लॉयटेड देवर टॉर्चर्ड देवर लाइक स्लेव्स जैसे इंडियंस को किया जाता था ठीक है एंड कुछ एरियाज ऐसे होते थे वो बिल्कुल ही रिजर्व होते थे जहां पे ये साइन बोर्ड पे क्या लिखा जाता था नेटिव्स इंडियंस एंड कलर्ड नेटिव्स मतलब जो वहां के बॉर्न सिटीजन है लेकिन ब्लैक पीपल है कलर्ड इंडियंस मतलब इंडियंस को या इंडियंस के अलावा कोई भी और कम्युनिटी इफ यू एंटर दीज प्रीमाइसेस कि अगर आप इन प्रीमाइसेस में एंटर करोगे एट नाइट रात के टाइम भी You will be listed as missing. यानी कि आपको किसमें डाल दिया जाएगा missing list में and armed guards shoot on sight. देखते ही आपको क्या कर दिया जाएगा shoot कर दिया जाएगा and serious dogs dogs जो हैं आपके ऊपर dogs छोड़ दिए जाएंगे और उसके बाद क्या होगा ये आपको ही पता होगा You have been warned. तो ऐसे signs उस time period में reserve areas जो होते थे even ये देखिए beaches के ऊपर भी Durban beach था वहां पर भी ऐसे जो है वो साइन बोर्ड लगे जाते थे और इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो लोग वहां के ओरिजिनल सिटीजन थे उनको उनके ही एरियाज में जाने के लिए परमिशन की जरूरत थी और सम एरियाज वर रिजर्व तो ये उस टाइम पीरियड में पॉलिसी थी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन या अपार्टहाइड ठीक है अब इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में वन मार क्वेश्चन ठीक है किसने यानी कि लोगों के लिए कौन मसीहा बनकर आए नेल्सन मंडेला ही कॉन्ट्रीब्यूटेड अ लॉट एंड सेवरल ऑर्गेनाइजेशंस वर फॉर्म्ड लेकिन उन सभी ऑर्गेनाइजेशंस को कंबाइन किया किस ऑर्गेनाइजेशन ने एएनसी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस इस अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के लीडर कौन थे नेल्सन मंडेला एंड ही स्ट्रगल्ड अ लॉट टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ ब्लैक पीपल बट
उनके ऊपर क्या लगा दिया गया, चार्ज ऑफ ट्रीजन। सेम जो किसके ऊपर लगाया था, लुई 16 के ऊपर, एंड ही वॉज एग्जीक्यूटेड। लेकिन इनके ऊपर चार्ज लगाया ट्रीजन का मतलब है कि अपनी कंट्री से गद्दारी कर रहे हैं, तो वो गलत नहीं कर रहे थे, वो तो अपने लोगों को क्या कर रहे थे, प्रोटेक्ट कर रहे थे। लेकिन नेल्सन मंडेला की एक्टिविटीज को रोकने के लिए व्हाइट यूरोपियन गवर्नमेंट ने क्या किया, देवर गिवन लाइफ इम्प्रिजनमेंट। लाइफ इम्प्रिजन मीन्स उम्र कैद की सजा, और उसके बाद ही स्पेंड 28 ईयर्स इन जेल। 28 ईयर्स तक वो जेल में रहे, और इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में भी ब्लैक पीपल के ऊपर बहुत से टॉर्चर किए गए। इवन आपको याद होगा कि जब क्रिकेट टीम साउथ अफ्रीका की, उस टाइम में क्रिकेट टीम होती थी, ब्लैक्स वर नॉट परमिटेड टू प्ले, एंड इंटरनेशनल लेवल के ऊपर साउथ अफ्रीका की बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म होने लगे, क्योंकि ये वो टाइम था जिस टाइम पीरियड में हर कंट्री, यूएनओ भी बन गया था, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, और हर कंट्री जो थी वो अपनी अपने कंट्री में अपार्टहाइड पॉलिसी को निग्लेक्ट कर रही थी, अपोज कर रही थी। ऐसे में यूएनओ ने साउथ अफ्रीका के ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर जो है वो बनाया। इवन एक टाइम ऐसा भी आया जब हमारी इंडियन क्रिकेट टीम ने साउथ अफ्रीका में क्रिकेट खेलने से मना कर दिया, उन्होंने ये कहा कि उनकी कंट्री जो है वो क्या कर रही है, रेशियल अपार्टहाइड फॉलो कर रही है, ठीक है। और इसके बाद साउथ अफ्रीका की गवर्नमेंट को डिसीजन लेना पड़ा और उनको अपार्टहाइड जो है उसको एबॉलिश करना पड़ा, एंड ये डिसाइड किया गया कि कंट्री में क्या करवाए जाएंगे, इलेक्शंस, क्योंकि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने कंट्री के ऊपर प्रेशर डाला, ठीक है। एंड इन दिस वे वी कैन से इलेक्शंस वर कंडक्टेड इन द कंट्री, और जब इलेक्शंस कंडक्ट करवाए गए, ठीक है, 1990 में नेल्सन मंडेला जो है वो जेल से बाहर आए। इन बिटवीन उन्होंने फिर से जो है अपनी कंट्री में जस्टिस जो है वो शुरू किया। इलेक्शंस जब करवाए गए, देन एएनसी दैट वन विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स, एंड यू नो ही बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। ये उनकी कितनी विक्ट्री हो गया, खुद सोचो कि जब वो पहली बार जीते होंगे तो ब्लैक कम्युनिटी के लिए उन्होंने कितना ये इसको फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट किया होगा। सो डेट नोट करो, वन मार्क क्वेश्चन, 26 अप्रैल 1994 नेशनल फ्लैग ऑफ रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका, नेशनल फ्लैग ऑफ रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका वॉज अनफर्ल्ड। कौन सी डेट को साउथ अफ्रीका डेमोक्रेटिक कंट्री बना, 26 अप्रैल 1994 साउथ अफ्रीका बिकेम डेमोक्रेटिक कंट्री, और कंट्री का नाम क्या रखा, रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका। जिस कंट्री के साथ रिपब्लिक वर्ड ऐड हो गया, मतलब उस कंट्री में क्या करवाए जाते हैं, इलेक्शंस, और जो उनका हेड होता है दैट इज इलेक्टेड बाय द पीपल फॉर द टेम्परेरी टाइम पीरियड। टेम्परेरी का मतलब होता है 5 ईयर्स के बाद साउथ अफ्रीका में फिर से इलेक्शंस करवाए जाएंगे। 1919 नेशनल फ्लैग ऑफ रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका, क्लियर। अच्छा, अब कंट्री तो कॉन्स्टिट्यूशन, कंट्री तो डेमोक्रेटिक बन गई, प्रेसिडेंट भी बन गए, ठीक है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, कॉन्स्टिट्यूशन, कि कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे बनाया जाए। एंड जितना टॉर्चर व्हाइट लोगों ने किया है, इन्होंने, इनके माइंड में आया कि हम भी वैसा ही करें, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, एंड दे डिक्लेयर्ड दैट इक्वल राइट्स शुड बी गिवन टू ऑल द पीपल, एंड इट टुक मेनी इयर्स टू कंप्लीट द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन वॉज प्रिपेयर्ड ऑन 1996। When the Constitution of South Africa was prepared, 1996. It took 2 years to discuss the matters, जैसे हमारी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, कि किस तरह से व्हाइट और ब्लैक को इक्वालिटी दी जाए। एंड प्रॉब्लम क्या थी, एट दैट टाइम दीज पीपल वर वेरी पुअर, दे वर इलिटरेट, दे वर नॉट एजुकेटेड, ठीक है, और ये कम्युनिटी बहुत रिच थी। तो ये भी डिसाइड किया गया कि अगर हम व्हाइट से उनकी प्रॉपर्टी ले लेते हैं और इनमें डिस्ट्रीब्यूट की जाए, लेकिन ये एक तरह से क्या होगा, इनके साथ इनजस्टिस होगा, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए, फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी ऑफ व्हाइट विल नॉट बी टेकन, इनकी प्रॉपर्टी नहीं ली जाएगी, ठीक है, लेकिन इनको अपलिफ्ट किया जाएगा तो इनको प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे हम कहते हैं ना कि हमारी कंट्री में रिजर्वेशन सिस्टम है, ठीक है, तो ऐसे में अगर इनको अपलिफ्ट किया जाएगा तो फिर इनको प्रॉब्लम ना आए, इनको कुछ स्पेशल प्रोविजन दी जाएंगी, तो वो इनको एग्री अपॉन, इनको मानना पड़े,
तो आपस में दोनों ही जो ग्रुप थे उन ग्रुप्स के बीच में जो डिस्कशन हुआ उसके बेसिस के ऊपर साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन वन ऑफ द फाइनेस्ट कहा जाता है, जिसमें किसी भी कम्युनिटी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, सो इन दिस वे वी कैन से दैट साउथ अफ्रीकाज कॉन्स्टिट्यूशन वॉज प्रिपेयर्ड. एंड लास्ट में हम ये कह सकते हैं कि जो इसका प्रियम्बल, जो साउथ अफ्रीका का प्रियम्बल, आपकी बुक में एक प्रियम्बल की पिक्चर दी गई है, साउथ अफ्रीका का प्रियम्बल. ठीक है, हर कंट्री का प्रियम्बल क्या होता है? ओपनिंग वर्ड्स. यानी कि साउथ अफ्रीका का जो प्रियम्बल है वो भी लोगों के द्वारा बनाया गया है. जैसे हम कहते हैं ना वी द पीपल ऑफ इंडिया, हमारी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन लोगों ने बनाया है, तो साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल भी बहुत इंपॉर्टेंट. सो दैट वॉज ऑल अबाउट द मेकिंग ऑफ साउथ अफ्रीका. इसमें आपने जो है वो नेल्सन मंडेला का कॉन्ट्रीब्यूशन, हाउ मेनी ईयर्स ही स्पेंड इन द जेल, फुल फॉर्म ऑफ अफ्रीका नेशनल कांग्रेस, देन विच चार्ज वॉज, कौन सा चार्ज लगाया था, कौन सा ट्रायल, ठीक है, चार्ज ऑफ प्रिजन, देन हाउ मेनी कम्युनिटीज वर देयर, ठीक है, एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेग्रीगेशन, अपार्टहाइड. ठीक है, तो ये कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए. अब आ जाओ नेक्स्ट पार्ट, दैट इज आवर कॉन्स्टिट्यूशन. व्हाई डू वी नीड, हमें अपनी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों है, नीड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. वैसे तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में है, लेकिन जस्ट आपको पता होना चाहिए कि वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन सो दैट ट्रस्ट शुड बी देयर. ट्रस्ट का मतलब क्या होता है? ट्रस्ट पीपल और गवर्नमेंट के बीच में ट्रस्ट होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, ये रिक्वायरमेंट है. अगर ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो गवर्नमेंट कभी भी लोगों के अगेंस्ट पॉलिसीज बना सकती है, लेकिन ऐसा नहीं होगा तो लोग क्या करेंगे, गवर्नमेंट को फिर क्या करेंगे, चेंज कर देंगे. ठीक है, तो डिग्री ऑफ ट्रस्ट, कॉन्फिडेंस, ठीक है, या फिर कह सकते हैं कोऑर्डिनेशन, ये तभी होगा जब लोग जो हैं वो गवर्नमेंट पे ट्रस्ट करेंगे और कॉन्स्टिट्यूशन लोगों की फेवर करेगा. जब लोगों को पता है कि हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, फंडामेंटल राइट्स हैं, तो वो अपने आप गवर्नमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे और गवर्नमेंट को चेंज करेंगे और गवर्नमेंट इलेक्शंस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए. इसमें हमने बताना है हमारी कंट्री का मेकिंग प्रोसेस. जैसे हमने साउथ अफ्रीका का पढ़ा ना, बच्चे अगर लॉन्ग क्वेश्चन होता ना तो लॉन्ग क्वेश्चन में हम सारा डिटेल में करते हैं, लेकिन शॉर्ट में आपको ईयर्स याद करने. अब मैं जो रिवीजन करवा रही हूँ ना, दैट इज रिलेटेड टू पेज नंबर 45. आपने इसकी थॉरो रीडिंग करनी है, लेकिन मैं शॉर्ट में सारा टाइम पीरियड बता रही हूँ, टाइम लाइन के अकॉर्डिंग. ठीक है, हमारी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन नाम की कोई चीज नहीं थी ब्रिटिशर्स से पहले. ठीक है, इसीलिए कुछ लीडर्स जो थे, स्पेशली हम कहते हैं ना सबसे पॉलिटिकल हमारी पार्टी जो है वो INC सबसे ओल्डेस्ट है. कब बनी थी? 1885. इन बिटवीन इंडियन नेशनल कांग्रेस के कुछ लीडर्स जो थे उनके बीच में क्लैशेस हुए, कुछ मॉडरेट थे, कुछ एक्सट्रीमिस्ट थे. ये सारा आपने 8th में पढ़ा हुआ, ये नहीं हमने बताना. हमने सिर्फ ये बताना है कि इस पार्टी के दो लीडर्स, ठीक है, मोतीलाल नेहरू कौन थे? मोतीलाल नेहरू फादर ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू. ठीक है, ठीक है, इन्होंने इन्होंने ये कहा कि हमारी कंट्री में क्या होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन. और इनके साथ प्लस 8 अदर मेंबर्स ऑफ दिस पार्टी, 8 अदर मेंबर्स ऑफ दिस पार्टी, सबसे पहले इन्होंने क्या रखी? डिमांड, डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन. और ब्रिटिशर्स ने इनकी डिमांड्स को नहीं माना, तो इन्होंने क्या किया, अपनी ही तरफ से, जैसे हम कहते हैं ना नेशनल असेंबली ने फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशन बनाना शुरू कर दिया था, तो इन्होंने क्या किया, ड्राफ्ट बनाना शुरू कर दिया. ही स्टार्टेड मेकिंग ड्राफ्ट, ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन 1928. सबसे इंपॉर्टेंट ईयर है जिस ईयर से हमारी कंट्री में पार्टी ने कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड रखनी शुरू की. ठीक है, इसके बाद फिर आया एक और इम्पोर्टेंट ईयर 1931. हर साल इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन होते थे, पार्टी का सेशन होता है, अलग अलग एरिया से लोग आपस में मिलते थे. तो 1931 में कराची, कराची जो पाकिस्तान में है, वहां पे सेशन हुआ. और उस सेशन में कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए, इसका लेआउट क्या होगा, लोगों को क्या राइट्स दिए जाने, कैसे ब्रिटिशर्स को हम कंपेल करें कि वो हमारी कंट्री के लिए क्या बनाए कॉन्स्टिट्यूशन, ये डिसाइड किया गया. कौन सा सेशन? आप
अबाउट द डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब ये चाहते थे कि हम इंडिया में रहते हैं तो इंडियंस को भी लॉ मेकिंग की नॉलेज होनी चाहिए, लॉ कैसे बनते हैं, और लॉ ऐसा होना चाहिए जो इंडियन की फेवर करे, ठीक है, पर ऐसा उस टाइम नहीं हो रहा था, दैट्स व्हाई दीज पीपल दे डिमांडेड कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी इन द कंट्री, क्योंकि इन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा था, इन्होंने बाकी रेवोल्यूशन के बारे में जो है इनको पता था, रशिया रेवोल्यूशन तब तक हो चुका था, तो ये भी, ये लोग भी राइट्स आते थे, और इनको भी था कि लोकल लेवल के ऊपर इनको भी लेजिस्लेशन का मतलब होता है लॉ मेकिंग में इनकी भी एंट्री होनी चाहिए, पर ऐसा नहीं हो रहा था। जैसे जैसे स्ट्रगल स्टार्ट हुआ, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया 1935, ये बहुत इम्पोर्ट, आज भी हम इस एक्ट को फॉलो कर रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इस एक्ट, ये जो एक्ट था, ये ब्रिटिशर्स ने जो है वो नया एक्ट बनाया, 31 से लेकर 35 इतना टाइम लगा इंडियंस के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने में। ये सिंपल आप याद रखो कि कुछ चेंजेस इंट्रोड्यूस किए 1935 में ब्रिटिशर्स ने, कुछ हमें फैसिलिटीज दी, चेंजेस, और इन चेंजेस में सबसे एडवांटेज इंडियंस के लिए क्या था, इंडियंस को क्या मिला, राइट टू वोट, राइट टू वोट मिला, लेकिन सेंट्रल लेवल पे नहीं, लोकल लेवल के ऊपर। लोकल लेवल का मतलब होता है उस टाइम पीरियड में, जैसे आज हम पंजाब स्टेट कहते हैं ना, तो उस टाइम पीरियड में पंजाब क्या था, प्रोविंस, प्रोविंशियल, प्रोविंशियल एरियाज के लिए जो है इनको राइट टू वोट मिल गया। लोग इससे ही बहुत खुश थे कि पहली बार ब्रिटिशर्स के अंडर उनको क्या मिला है, राइट टू वोट एंड राइट टू कंटेस्ट इलेक्शंस, कि वो वोटिंग भी कर सकते हैं और कंटेस्ट भी कर सकते हैं। और इसी एक्ट के अकॉर्डिंग 36 में इलेक्शन नहीं हुए, लोगों ने कहा कि हमें राइट टू दे दिया, अब इलेक्शंस तो करवाओ, तो इलेक्शंस कब करवाए, 1937 फर्स्ट टाइम हमारी कंट्री में इलेक्शंस करवाए गए, लोगों ने अपना वोटिंग राइट यूज किया, कुछ लोगों ने इलेक्शंस कंटेस्ट भी किए, एंड मैनी पीपल दे बिकेम मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एट द लोकल लेवल। अब 1937 से ही लोगों को लॉ मेकिंग की नॉलेज हो गई थी, तो जब हमारी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन बना ना, तो इंडियंस को कोई प्रॉब्लम नहीं आई, बिकॉज दे वर फेमिलियर टू दीज इंस्टीट्यूशंस, उनको पता था कि लॉ कैसे बनाया जाता है, कैसे पास होता है, कैसे वोटिंग करवाई जाती है, और कौन कौन से डिपार्टमेंट्स होने चाहिए, किस तरह से हर डिपार्टमेंट में अलग अलग प्रोविजंस होने चाहिए, फाइनेंस कैसे होना चाहिए, तो हम ये कह सकते हैं कि काफी हद तक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में इन फैक्टर्स ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। तो वैसे ये मेन क्वेश्चन क्या था, विच वर द फैक्टर्स कॉन्ट्रीब्यूटेड, क्वेश्चन लिख लो, विच वर द फैक्टर्स कॉन्ट्रीब्यूटेड इन द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, विच वर द फैक्टर्स कॉन्ट्रीब्यूटेड इन द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, विच वर द फैक्टर्स कॉन्ट्रीब्यूटेड इन द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपने सिंपल डेट्स याद रखो, अगेन इन विच ईयर इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज फॉर्म, 1885, ठीक है, आपकी जनरल नॉलेज के लिए मैं बता देती हूँ, सबसे पहले इसको बनाया किसने था, AODU, वो इंडियन नहीं थे, वो ब्रिटिशर्स थे, और अल्टीमेटली पता है इस पार्टी को क्यों बनाया था, ब्रिटिशर्स चाहते थे कि जो इंडियंस का गुस्सा है ना, वो लड़ाई झगड़ा या एजिटेशंस करके वो अपना गुस्सा ऐसे ना निकाले, बल्कि सिंपल एक पार्टी बना ले, और ये पार्टी अपने कुछ डेलीगेट्स जो है वो हमें भेजे, और जो भी उनकी डिमांड्स हैं बातचीत करके उनको पूरा कर लिया जाए। This was the main, you can say, motive of making this party. लेकिन आपको नहीं पता यही पार्टी आगे जाकर फ्रीडम स्ट्रगल का एक इम्पोर्टेंट पार्ट बनी, ठीक है। Then next year आपने याद रखना है 1928, क्या हुआ था 1928 को, मिस्टर मोतीलाल नेहरू एंड 8 अदर मेंबर्स, दे डिमांडेड ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमारी कंट्री में भी कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, जैसे फ्रांस में बनाया गया। Then, why the year of 1931 is very important? In this year, Karachi session held of Indian National Congress, in which discussion held related to the need of the Constitution. ठीक है? इसके बाद, why this year is very important? 1935. Yes, because people they got right to vote and right to contest elections. 1935, Government of India Act 1935. और आज भी हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सी ऐसी प्रोविजंस जो हैं आज भी फॉलो कर रहे हैं,
जैसे कहते हैं ना अंग्रेज चले गए और अंग्रेजी छोड़ गए, तो हम आज भी इस एक्ट को 1935 के एक्ट को, बहुत सी ऐसी प्रोविजंस है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। देन इसके बाद इलेक्शंस कब करवाए गए, फर्स्ट इलेक्शंस प्रोविंशियल, इन विच ईयर फर्स्ट प्रोविंशियल इलेक्शंस हेल्ड, प्रोविंशियल इलेक्शंस 1937 and people they got right to vote and right to contest elections. And iske ilawa hamari constitution makers ke upar French revolution ke ideas, Russian revolution ke ideas aur America ki civil war ka bhi bahut impact pada. So these were the factors which responsible for making the constitution. Bachche ye aapka page ye dekho, ye book, ye pure factors isme hai, maine aapko pura date wise usme karwaya hai, lekin jab aap ye page padhoge na ye dates jo hain वो आगे पीछे, ठीक है, आपका पेज नंबर है 45। फैक्ट मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यू हैव टू रीड प्रॉपरली, ठीक है। हाँ जी, अब ये तो था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनने की हिस्ट्री, लेकिन अब हमने पढ़ना है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अगर बच्चे लॉन्ग क्वेश्चन होता तो क्या आना था, राइट अ नोट ऑन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, लेकिन शॉर्ट आंसर्स में हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से रिलेटेड सभी फैक्ट्स के बारे में पता होना चाहिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, द असेंबली व्हिच प्रिपेयर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर कंट्री, इट वॉज फॉर्म्ड ऑन 1946। बच्चे कहते हैं कि मैम इंडिपेंडेंस हमें मिली, हाँ जी 1947 को, लेकिन बनने का प्रोसेस पहले ही शुरू हो गया था, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने पहले ही डिक्लेयर कर दिया था कि वी आर गोइंग टू गिव यू फ्रीडम, और फ्रीडम से पहले आपकी कंट्री में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो पहले ही बन जाने चाहिए, क्योंकि उनको भी पता था कि रूल्स एंड रेगुलेशंस को बनाने का प्रोसेस बहुत लंबा, सो दैट्स व्हाई दे डिसाइडेड, एक कैबिनेट प्लान, कैबिनेट मिशन हमारी कंट्री में आया, कैबिनेट प्लान, कैबिनेट मिशन, तो उन्होंने प्लान का मतलब है कुछ प्लान इंट्रोड्यूस किया कि आप इसके अकॉर्डिंग अपना कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ। तो 1946 में हमारी कंट्री की क्या बनी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और मेंबर्स कहाँ से आए, कितने मेंबर्स थे इस असेंबली में, मेंबर्स जो थे वो इलेक्शंस के द्वारा नहीं आए, 299 तो बाद में है, पहले मोर देन 300, ठीक है, मोर देन 300 मेंबर्स वर देयर, लेकिन इन बिटवीन क्या हो गया, डिविजन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, तो कुछ मुस्लिम मेंबर जो थे वो पाकिस्तान चले गए, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितने मेंबर्स रह गए, 299। अब कॉन्स्टिट्यूशन किन्होंने बनाया, इन 299 मेंबर्स ने मिलकर बनाया, ठीक है। अब फ्रीडम हमें मिली 1947 को, क्या चीज, इन 1946 कैबिनेट मिशन केम इन आवर कंट्री एंड दे सजेस्टेड सम यू कैन से डिमांड्स एंड सम चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन, कि कॉन्स्टिट्यूशन आपका कैसा होना, सम रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है। देन इसके बाद हमारी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन बना कब था, डेट क्या थी, यस 26 नवंबर 1949 तक बन गया था, लेकिन इसको पास कब किया, 1950, मतलब इंप्लीमेंट, अब क्यों, अगर हमारी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था तो इम्प्लीमेंट कब हुआ, सेम ऐसा ही है कि जैसे आपका पेपर बन गया, लेकिन पेपर किस दिन आएगा, जो आपकी डेट शीट के अकॉर्डिंग डे, व्हाई, ऐसा क्यों, टू गिव इम्पोर्टेंस टू दिस डेट। हाँ, अब सेम, अब हिस्ट्री याद करो, वो मैंने आपको जानबूझ के नहीं बताई, मैंने कहा चलो आपको इसमें बताओ, ठीक है, 1928 में जब हमारी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन के लिए डिमांड आई, उसके बाद कराची सेशन आया 1931, इन बिटवीन 1930 पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रावी रिवर के पास इंडिया के कितने लोगों को बुलाया और पानी को हाथ में लेकर प्लेज लिया दैट वी आर डिक्लेयरिंग 26 जनवरी एज इंडिपेंडेंस डे, कंप्लीट फ्रीडम, पूर्ण स्वराज। रिपब्लिक डे तो बाद में आया ना, इंपॉर्टेंस इसलिए दी, उस टाइम पर हमको पता थोड़ी कि हमें रिपब्लिक हमारा जो है वो कब मिलेगा। फिर से याद करो, 1930 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने
कांग्रेस पार्टी के कुछ लीडर्स के साथ और लोगों के साथ मिलकर रावी रिवर के पास पानी को हाथ में लेकर ओथ ली। ओथ का मतलब होता है कि जब तक हम अपनी कंट्री के लिए कंट्री को आजादी नहीं दिलाएंगे हम चैन से नहीं रहेंगे। किस डेट को? 26 जनवरी 1930। और उन्होंने क्या किया कि ब्रिटिशर्स हमें आजादी दें या ना दें हम अपने आप को आजाद डिक्लेयर करते हैं, पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तो उन्होंने क्या किया 26 जनवरी को उन्होंने कहा कि ये हमारा इंडिपेंडेंस डे, हम हर साल इसको इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। लेकिन हमें इंडिपेंडेंस डे जो है वो कब मिली? 15 अगस्त। लेकिन इस डेट को एक इम्पॉर्टेंट जो है वो हिस्ट्री में याद करने के लिए कुछ मंथ्स की वेट कर ली गई कि इस दिन हम क्या करेंगे अपनी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। सो 26 जनवरी 1950 इज रिगार्डेड एज अ रिपब्लिक डे, 15 अगस्त इज रिगार्डेड एज अ इंडिपेंडेंस डे। क्लियर? और इस तरह से हमारी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट हुआ 26 जनवरी 1950। लेकिन ये जो पूरे मंथ से इससे पहले यानी कि 1947 से लेकर 49 तो मेकर्स कहां थे? वेयर वर दीज मेकर्स? देवर इन इंडिया? देवर इन इंडिया? नो, दे वेंट टू डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज। ठीक है, दे हाँ उनको डिवाइड कर दिया गया, अलग अलग कमेटीज बना दी गई। सम वेंट टू फ्रांस, सम वेंट टू जर्मनी, सम वेंट टू यूएसए, सम वेंट टू आयरलैंड, सम वेंट टू रशिया। दे लिव्ड देयर, दे स्टडीड ऑल द एनवायरमेंट, पॉलिटिकल एनवायरमेंट, एंड व्हेन दे केम बैक दे ब्रॉट बेस्ट ऑफ द बेस्ट आइडियाज एंड दे डिस्कस इन द असेंबली। लेकिन बाद में उन्हीं को कॉपी किया लेकिन उसी फॉर्म में नहीं किया, अपनी कंट्री की नीड के अकॉर्डिंग उनको मॉडिफाई किया। इसीलिए हम क्या कहते हैं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? बैग ऑफ बोरोइंग्स। बोरोइंग्स का मतलब क्या होता है? जो उधार लेते हैं, बैग ऑफ बोरोइंग्स। हमारी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन को हम क्या कहते हैं? बैग ऑफ बोरोइंग्स। कि हमने बहुत सी पॉलिसीज अलग अलग कंट्रीज से ली हैं लेकिन एज सच नहीं लिया, उसको क्या किया? प्रॉपरली अपनी कंट्री के अकॉर्डिंग मॉडिफाई किया। क्लियर?